महाराष्ट्र में 45 बागियों के नाम वापस, बीजेपी और कांग्रेस के 10-10 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 8 और अजीत पवार के एनसीपी के 6 उम्मीदवार पीछे हटे। उद्धव ठाकरे गुट के 7 और शरद गुट के 4 बागियों ने नाम वापस लिए। मुंबई की माहिम सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। सदा सरवनकर ने नामांकन वापस नहीं लिया, कहा राज ठाकरे ने नाम वापस लेने को नहीं कहा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी सुकृति शर्मा ने नामांकन वापस लिया। अंधेरी ईस्ट से निर्दलीय भरा था पर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस से नाराज समाजवादी पार्टी। अबू आजमी बोले एमवी के साथ गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर। मुंबई में शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे और संजय राउत। एमवीए के साझा घोषणा पत्र और बागी उम्मीदवारों पर मंथन। महाराष्ट्र में बागियों को महाविकास अघाड़ी का अल्टीमेटम। उद्धव ठाकरे बोले नाम वापस नहीं लेने पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले पर बोले उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं। शरद पवार ने फैसले का स्वागत किया। महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया गया, चुनाव आयोग ने ट्रांसफर का आदेश दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल ने चुनाव आयोग को लिखा खत, डीजीपी रश्मि शुक्ला को किसी अन्य पद पर नियुक्त न करने की मांग की। झारखंड के गढ़वा से पीएम मोदी का विरोधियों पर अटैक। आज एमएम कांग्रेस और आरजेडी ने झूठे वादे किए, भर्ती घोटाला और धांधली झारखंड में उद्योग बना। पीएम मोदी ने कहा जनता ने झारखंड में एनडीए सरकार बनाने का मन बनाया, चुनाव में जेएमएम की विदाई तय। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी नेक नीयत से करती है काम, हर गरीब को पक्का मकान देना हमारा संकल्प। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी आदिवासियों का अपमान करते, झारखंड के चाईबासा से पीएम मोदी का अटैक। घुसपैठ पर सीएम हेमंता के बयान पर जेएमएम का पलटवार, मोवाजी बोले घुसपैठ रोकने में केंद्र नाकामयाब। यूपी केरल और पंजाब में होने वाले उपचुनाव की तारीखें बदली, अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। त्योहारों के चलते चुनाव आयोग ने तारीख बदली। उपचुनाव टलने पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, कहा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हलचल मची हुई है। आरएलडी ने उपचुनाव की तारीख बदलने का किया समर्थन। प्रवक्ता अनिल दुबे बोले बदलाव जनभावनाओं के अनुरूप। चुनाव आयोग पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, कहा चुनाव मैनेज नहीं हो पा रहा है इसलिए तारीख बढ़ा दी गई है।